जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी के तरफ से एक यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि झारखंड सरकार तरफ से निकाला गया है। इसमें हम बताने वाले हैं कि 11वीं जेपीएससी के लिए रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें से हम आपको यहाँ पे चलिए सारी चीज़ें बताते हैं। परीक्षा लगभग दिसंबर माह में इसी की हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर यदि याचिका भेज दिया गया है और बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो चलिए क्या यहाँ पे न्यूज़ निकाली गई है इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये न्यूज़ सुबह सुबह निकाली गई है। ये झारखंड सरकार इसी माह आयोग को भेजेगी अधियाचना, ठीक है। तो बहुत जल्द अधियाचना भेजने वाली है जो कि 11वीं जेपीएससी की प्रक्रिया इसी माह से होगा यहाँ पे शुरू, ठीक है। तो इसमें बता दें कि इस बार जो आपकी सीटें होगी वो लगभग 200 सीट आपकी होने वाली है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इस बार 200 सीटें निकाली जाएगी जेपीएससी 11th जेपीएससी में। पहली बात आपको यहाँ पे बता दें कि 10th जेपीएससी जो हुई थी उसमें लगभग 252 सीटें थे, ठीक है, जिसमें से 251 डे में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया और यहाँ पे सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया गया। बहुत जल्द यहाँ पे प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया 251 दिन में ही। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 10 जेपीएससी हुए हैं जिसमें से पहला जो हो जेपीएससी हुई थी वो आपका 2003 में हुआ था जो कि 951 दिन में यहाँ पे रिज़ल्ट जारी किया था। और 10वीं जेपीएससी की अगर बात करें तो ये आपका 251 डे में मात्र यहाँ पे आपका रिज़ल्ट को जारी कर दिया गया। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि ये दिसंबर माह में ये भी आपकी सारी प्रक्रिया हो जाए, ठीक है। तो बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन भी आएगी। तो आप सारा चीज़ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जेपीएससी की यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ निकाली गई है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जेपीएससी की सात जो कि 7वीं में 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा संपन्न होने के बाद 11 जेपीएससी की प्रक्रिया इसी माह शुरू होगी, ठीक है। देख सकते हैं कि इसी माह जो है आपका यहाँ पर 11 जेपीएससी प्रक्रिया भी शुरू कर दिया जाएगा। तो सरकार इसी महीने इसकी अधियाचना भेजेगी, ठीक है। उसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा, ठीक है। तो यदि याचिका जैसे भी भेजती है उसके बाद यहाँ पे आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने इसी कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। सभी विभागों से अंतिम रूप से रिक्त पदों को यहाँ पे मंगाया जा रहा है जिसमें से करीब 200 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं कि क्या लिखी गई है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक विभाग तैयारी कर दी गई है। इसका जो है तैयारी शुरू हो चुका है। अधियाचना के लिए इस सरकार को प्रोनित पर आरक्षण पर जो कि जो भी आरक्षण थे वहाँ रोष हटा दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही था कि जो भी आरक्षण थे उसे यहाँ पे हटा दिया गया है। झारखंड में अब तक 10वीं जेपीए जो कि सिविल सेवा परीक्षा हो चुकी है, 7वीं व 10वीं जो है परीक्षा फाइनल रिजल्ट 251 दिनों में जारी किया गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत जल्द यहाँ पे हो सकता है कि दिसंबर तक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए ये 200 पदों पे सारे वैकेंसी का, और नहीं तो मार्च तक में, अगले साल मार्च तक में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसी तरह का न्यूज़ से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सके टाइम टू टाइम। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, धन्यवाद।